अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो, जैसे आप लोगों को टाइटल से पता लग गया होगा, मेरी एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी। माशाल्लाह से 4 साल हो गए हैं, तो निकाह को 4 साल हो गए हैं। और वैसे होती तो ये 5 अगस्त को, लेकिन हम लोग आज इसलिए थोड़ा लेट सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उस दिन घर वाले जो थे बिजी थे थोड़ा सा, तो हम लोग उस दिन सेलिब्रेट नहीं कर सके। तो सोचा था कि आज कर लेंगे, आज सब लोग घर हैं, रेडी शेडी होंगे, कपड़े वगैरह पहनेंगे, अच्छा सा रेडी होंगे और खाना खाने जाएंगे। पर लंच का है इरादा, इंशाल्लाह लंच पार करेंगे। अभी तो 12 बजे हैं, तो देखते हैं 2-3 बजे तक जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बाकी अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी दिखा देती हूँ, अपने कपड़े शपड़े। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारा व्लॉग एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे। और अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा आज का आउटफिट और मेरा गिफ्ट भी, बहुत ही प्यारा सा सूट है। पप्पू ने मुझे गिफ्ट किया, एनिवर्सरी का गिफ्ट है और मैं पहन भी यही रही हूँ आज। ये हमने रेडीमेड लिया है आज तो नहीं, मतलब ये आगा नूर का है, इनके ब्राइडल स्टूडियो में से था ये, मीडियम और लेटेस्ट ही है कलेक्शन। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही चीज़ की डिटेलिंग हुई भी है और आप देख सकते हैं इसके नेक पे भी, और इसके जो स्लीव्स हैं बहुत ही नाइस डिटेलिंग है, रिसेंट है। कलर तो मेरा फेवरेट है ये वाला। और ये देखें इस पर थोड़ा सा ना मिरर वर्क हुआ है, इसके दुपट्टे पे भी, दुपट्टे की भी बहुत ही नाइस डिटेलिंग है। दुपट्टा अच्छा, इसका ऑर्गेन्जा में है, और जो शर्ट है वो कॉटन नेट में है, और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र इसका रॉ सिल्क में है, और नीचे इन्होंने जो थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया हुआ है, लेस लगा के नीचे ऑर्गेन्जा लगाया हुआ है। तो बहुत प्यारा सा सूट है, पूरा एक ही कलर में है। इसके दुपट्टे की भी डिटेलिंग मुझे बहुत पसंद आई थी, और मतलब सिंपल प्लेन दुपट्टा नहीं है, देखिए तो ये ड्रेस अभी मैंने निकाल लिया, इसको प्रेस करके रख दिया। इसके साथ एक्सेसरीज मैंने अभी नहीं निकाली, एक्सेसरीज और शूज वगैरह मैं आपको निकाल के तो वो अभी दिखाती हूँ। मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि क्या पहनना है मैंने। तो ये देखिए, ये मैंने अपनी मैचिंग थोड़ी सी निकाली है, वाइट पर्ल्स में पर्ली ज्वेलरी, मुझे यही कुछ सही लगी थी अपने साथ। और ये वाले दो बैंगल्स हैं खड़े टाइप, और एक रिंग है इसके साथ की, ये सेवरोस्की के हैं, बहुत ही प्यारे से, और रिंग भी इसके साथ ही थी। और ये एक पर्स निकाला डल गोल्ड सा, भी बहुत प्यारा है, और साथ इसके साथ ही मैचिंग सैंडल्स हैं हील वाले, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये सैंडल्स हैं, ये मैं पहन लूँगी। और ये मिंसा के लिए एक मैंने फ्रॉक इसका निकाला, एक ड्रेस है मिंसा का गोल्डन सा, डल गोल्ड सा, ये भी बहुत प्यारा है, और इसके साथ लेगी है। आज थोड़ी सी गर्मी है तो मैं मिंसा को उसके साथ कोई नीचे वेस्ट वगैरह नहीं पहनाऊँगी, आज ये वाला ही पहना रही हूँ, और अगर ठंड लगी तो साथ कार्डिगन का पहना दूँगी बाद में, अदरवाइज ऐसी सही है। और ये स्माइका ने निकाला है अपना टॉप और ट्राउज़र, क्योंकि शी डज़न्ट वांट टू वेयर सलवार कमीज़, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है ये मेरे भी ड्रेस से, तो उसमें का ये पहनेगी। और पुप्पो का भी एक रेडीमेड ड्रेस पुप्पो ने लिया है, तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वो भी हमने प्रेस नहीं किया, वो प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी बहुत प्यारा ड्रेस है, वो भी आगा नूर का है और रेडी टू वेयर है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरे एनिवर्सरी के गिफ्ट्स जो मुझे बुला लेती हैं, ये एक परफ्यूम है और एक नेकलेस है, बहुत ही प्यारा सा, ये मैंने पहले खोल लिया था तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, और साथ ही एक कार्ड है, ये देखिए ये था नेकलेस, बहुत ही प्यारा सा, ये भी वाइट गोल्ड है और अंदर रियल स्टोन है इसके, और इसके साथ के ही सिमिलर से रिंग मुझे बुला ले मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, तो ये नेकलेस भी उससे मिलता जुलता ही है। वैसे मेरे इयर रिंग्स रह गए हैं तो भी मेरे वाला सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा नेकलेस है, मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन।
तो ये फूफो का ड्रेस अगनू का, सेम मेरे वाले जो जो जिस कलेक्शन में से मेरा था उसी कलेक्शन में से ये है, लेटेस्ट है बिल्कुल, ये आजकल ही आया है। और देखें इसकी भी बहुत प्यारी डिटेलिंग है, रेडीमेड ड्रेस था ये, इसकी नेकलाइन है सारी और पैनल्स डले हुए हैं, और बाजू की ये डिटेलिंग है, ये देखें बहुत ही प्यारी सी। और ये सारे दोनों पैनल्स पे ट्रायंगल वर्क हुआ हुआ है, एक एक पैनल पे ऐसे करके सीधा सीधा। और ये नीचे दामन पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये अलग से कोई पैच वगैरह नहीं है, इसके ऊपर ही हुई हुई है एम्ब्रॉयडरी, बहुत नाइस, इतनी सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी है। और ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र भी इसका सेम जैसे मेरा ट्राउज़र है उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन ये है थोड़ा थोड़ा खुले वाला, क्यूलेट टाइप का है, और उसी तरह लेस लगी है और ऑर्गेन्जा लगा हुआ है, और दुपट्टे पे भी सेम इसी तरह ही एम्ब्रॉयडरी भी, बहुत नाइस डिटेलिंग वाला होता है ये। हम लोगों के पास इस दफ़ा ज़्यादा टाइम नहीं था कि खुद लेके तो स्टिच करते, इसलिए दोनों हम लोगों ने स्टिच ही ले ली है, और साथ मैचिंग हम लोगों ने गोल्डन ही कर ली है। पहले सोचे थे कि ऑफ वाइट करें, लेकिन ऑफ वाइट हमारा कोई हो नहीं था रहा मैच कोई भी चीज़, तो हमने डल गोल्ड मैचिंग की है इसके साथ, डल गोल्ड पर्स है और डल गोल्ड ही शूज़ हैं। तो देखिए हमने शूज़ के नीचे एक मैट रख लिया है, बहुत सारे लोगों का अक्सर एतराज़ होता है कि हम लोग बेड पे शूज़ रख देते हैं, तो डोंट वरी, हमारे शूज़ साफ़ ही होते हैं, साफ़ करके रखते हैं। तो ये शूज़ और पर्स क्लच जो है ये हमारा मैचिंग है, तो ये बहुत ही एक नाइस सा हो गया। तो अब जब पहनेंगे तो मैं आपकी आपको दिखाऊंगी और पिक्चर्स भी शेयर करेंगे फिर आपको। ओके तो व्यूअर्स, अब हम लोग अभी अभी वापस आए हैं लंच से, आप लोगों ने मेरा ड्रेस तो देख लिया होगा पूरा, और इसकी पिक्चर्स मैं सारी साथ जो है शेयर कर दूंगी। अब देखते हैं आगे हमारा, शायद आज शाम का 7-8 बजे मूवी का प्लान है, अगर तो वो होता है तो मैं वो भी साथ शेयर करती हूँ आप लोगों के। और बस यही था हमारा आज का एनिवर्सरी व्लॉग, सिंपल सा। और पुप्पो का चैनल जो है वो मिसो व्लॉग, तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूंगी, उन्होंने भी थोड़ा सा आज का एक शॉर्ट सा व्लॉग बनाया, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और चलें फिर इतना ही, हमें देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, और ये वाला व्लॉग भी एंड तक देखें। तो अगर हम लोग बाहर गए तो मैं उसकी क्लिप्स भी साथ डाल दूँगी, और नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में।